नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तो अगले 4 सालों तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की चाबी, सत्ता की चाबी किसके हाथों में होने वाली है, इसका आज फैसला होने वाला है। आज किस्मत का फैसला होगा, राष्ट्रपति अमेरिका का अगला कौन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि इलेक्टोरल वोट में बाइडेन ट्रंप से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप को आपको हम डोनाल्ड ट्रंप को 72% वोट, आपको हम बता दें कि ट्रंप को अब तक 72 और बाइडेन को 85 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। हालांकि अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो जो बाइडेन इसमें पीछे चल रहे हैं, उनको करीब 49% वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप उनसे 1% आगे हैं और उन्हें 72% वोट अब तक मिल चुके हैं। आपको बता दें, लेटेस्ट जानकारी जो अभी आ रही है उसके मुताबिक 72% वोट ट्रंप को मिल चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए अमेरिका अपने भाग्य विधाता का चुनाव कर रहा है और दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर कौन उभर कर सामने आता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन। फिलहाल ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जिसमें अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने की होड़ में आरोपों की होड़ लगी है। जो बाइडेन इज अ करप्ट पॉलिटिशियन हु रेक्ड इन मिलियंस फ्रॉम चाइना व्हाइल गिविंग देम your jobs. He's a corrupt politician. You see it? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को भ्रष्ट बताया तो बाइडेन ने भी ट्रंप पर चुनाव के नतीजों से पहले ही लूजर होने का ठप्पा लगा दिया। Trump's a loser. And all of you have served. No other nation can touch us. No other nation can lead us. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump's been trying to do from the very beginning. Divide America, pitting Americans against one another. राष्ट्रपति ट्रंप अगर दोबारा विजयी होते हैं तो लगातार दो बार ताजपोशी वाले चौथे राष्ट्रपति होंगे। 1992 में डेमोक्रेट उम्मीदवार बिल क्लिंटन के जीतने के बाद से यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर ट्रंप हार जाते हैं तो इसमें जॉर्ज बुश सीनियर के बाद दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें व्हाइट हाउस में जाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल दोनों उम्मीदवारों के साथ उनके प्रशंसक और वोटर भी अपने अपने दावों के साथ मैदान में हैं। And the key question is, am I better off than I was 4 years ago? Yes, I am. So I will, and I did vote for Donald Trump, who is my president. And in 2020, I voted for Joe Biden and Kamala Harris. Just want to see a little bit of decency, and I want to stop the insanity. These last 4 years have been really hard. बस चंद घंटों की दूरी पर अमेरिका का नया राष्ट्रपति खड़ा है और नए राष्ट्रपति के चुनाव से तय होगा कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की धुरी क्या होगी। वॉशिंगटन में प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त सीधे जुड़ते हैं वॉशिंगटन डीसी से हमारे संवाददाता सीमा और प्रतीक्षा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सीमा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल है और ये अमेरिकी चुनाव ना सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है। जी, ये यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। इसमें कौन जीतता है, इससे ना ही अमेरिका की पर सारे विश्व में जो पॉलिसीज होंगी अमेरिका की उस पर फर्क पड़ सकता है। सो आज मैं गई थी एक चक्कर लगाने। दोनों तरफ के लोग इकट्ठे हो रहे हैं व्हाइट हाउस के पास। संभावना है कि
शायद वायलेंस ना हो, लड़ाई ना हो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में. पुलिस तैनात है हर जगह और व्हाइट हाउस के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी गई है जिससे कि कोई भी उस पर चढ़ ना सके. सो इस समय जो देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेट है वो है फ्लोरिडा. अगर फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं उसमें 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं तो उनके पास कुछ उम्मीद बनी रहेगी कि वो दोबारा जीत सकते हैं क्योंकि उनका जो 270 उन्हें चाहिए फ्लोरिडा के बिना होना मुश्किल है. ओहायो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी. सो इस समय जो देख रहे हैं जो एंथुजियाज्म है बहुत टर्नआउट बहुत हैवी था आज और इतने लोगों ने कभी वोट पहले नहीं डाला. ये कहते हैं कि हिस्टोरिक वोट होगा. बिल्कुल सीमा, इस बार बताया जा रहा है लगभग 16 करोड़ वोट पड़ेंगे और कोरोना काल की वजह से इस पैंडेमिक की वजह से पहले ही हालांकि बहुत वोट पड़ चुके हैं तो इस बार और भी अहम और भी काफी डिफरेंट होने वाला है ये अमेरिकन चुनाव. जी इसमें पैंडेमिक एक बहुत बड़ा इशू है पर साथ ही साथ इकोनॉमी भी उतना ही बड़ा इशू है जिसको कई लोग एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं. अगर आप मेन स्ट्रीम प्रेस को पढ़ें तो उसमें सिर्फ पैंडेमिक का जिक्र है पर अगर आप बैटल स्टेट्स में घूमें जैसे कि हम एक दो जगह गए थे वहाँ पे इकोनॉमी का बहुत उनके लिए मुद्दा है बहुत बड़ा क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास जो चाहते हैं कि इकोनॉमी खुली रहे और ट्रंप ने ये कहा है कि जो बाइडेन जो हैं वो दोबारा शटडाउन करेंगे. इससे कई लोगों को और भी नुकसान होगा तो इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी बिग इशू एज वेल. बिल्कुल तो जैसा आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी इज अ वेरी बिग इशू. प्रतीक्षा आप भी लगातार वहां से हमें जानकारी दे रही हैं. प्रतीक्षा आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके शासनकाल में इकोनॉमी सबसे तेज रफ्तार में रही है इसलिए लोग घर से बाहर निकले और वोट करें. कितना विश्वास अमेरिका की जनता को उन पर और उनकी बातों पर? जी देखिए यहाँ अमेरिका में जो राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं वो उनका हर हाल में समर्थन करते हैं. आप याद रखिए पिछले 4 सालों में कितनी उथल पुथल रही है अमेरिका की जो राजनीतिक गलियां हैं वहाँ पर. आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इम्पीच भी हो गए थे. रशिया के साथ कोल्यूजन को लेके मलर का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था. इन सब बातों के बावजूद एक ऐसा कोर उनका वोटर बेस है जो हमेशा उनका समर्थन करता है. इनमें वाइट वर्किंग क्लास लोग हैं, एवेंजेलिकल्स हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ही एक तरह का कोअलिशन बना लिया है. तो वो जो लोग हैं ऐसा लगता है कि इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वो उनके लिए पूरे तौर पर बाहर आके वोट करें. लेकिन कुछ ऐसे डेमोग्राफिक्स भी हैं जिन्होंने पिछली बार राष्ट्रपति ट्रंप का साथ दिया था लेकिन शायद इस बार ना दें. ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जैसे कि सबर्बन वाइट वेमेन, कॉलेज एजुकेटेड वाइट वेमेन, कुछ लटिनोज. लटिनो कम्युनिटी बहुत बड़ी है अमेरिका में. इस बार सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है वाइट्स के बाहर जो वोट दे रहा है उनमें से क्यूबन अमेरिकन, वेनेजुएलन अमेरिकन, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप का ज़्यादा साथ देते हैं क्योंकि ये थोड़े ये सोशलिस्ट कंट्रीज से हैं, कंजर्वेटिव विचारधाराओं से हैं. तो इस बार की जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें से ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़ के जा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद जो उनका कोर वोटर बेस है अगर वो भारी तौर पर वोट डालने आए तो हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप के पास री इलेक्शन का चांस हो. बिल्कुल सीमा और प्रतीक्षा आपसे और हम जानकारी लेंगे. लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव कई मायनों में अलग रहने वाला है. कोरोना की वजह से 10 करोड़ लोग पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं. वहीं ट्रंप पोस्टल बैलेट पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं. पहली बार अमेरिका में चुनाव के बाद हिंसा की भी आशंका है. इन तमाम विवादों की वजह क्या है ये आपको हम अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं.
then I think we're going to have a tremendous victory. इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायने में पहले हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ ही उसने चुनाव के तौर तरीकों को भी काफी हद तक बदल दिया है। अमेरिका में कुल 24 करोड़ वोटर हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इनमें से 10 करोड़ वोटर चुनाव से पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए या फिर खुद जाकर वोट डाल चुके हैं। उन्होंने ऐसा कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए किया, लेकिन इन करोड़ों वोटों की गिनती आसान नहीं होगी। हो सकता है चुनाव वाले दिन विजेता का पता ना लगे, चुनाव कौन जीता है ये पता लगाने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर मेल इन वोटिंग हुई है, यानी डाक के जरिए लोगों ने वोट किया है कोविड की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित एक तरीका है वोट करने का। इन करोड़ों वोटों की गिनती के चलते जो फैसला एक रात में हुआ करता था, इस बार उसमें कई दिन लग सकते हैं। यही नहीं, ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर रही और ट्रंप हार गए तो हो सकता है कि वो नतीजों को मानने से ही इनकार कर दें। ट्रंप पहले ही डाक वाले वोटों पर शक जता चुके हैं और कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि वो अपनी हार का नतीजा स्वीकार कर लें। I think it's a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it's a terrible thing when people or states are allowed to tabulate ballots for a long period of time after the election is over, because it can only lead to one thing, and that's very bad. You know what that thing is? I think it's a very dangerous, terrible thing. अगर ट्रंप अड़ गए तो फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पोस्टल बैलेट की इजाजत दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा बेहद सख्त है और दुकानों को हिंसा तोड़फोड़ और लूटपाट से बचाने के लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। दुकानों में लगी कांच को दीवार के बाहर लकड़ी के तख्तों से ढका जा रहा है ताकि चुनाव के दौरान या उसके बाद हिंसा भड़के तो दुकानों को बचाया जा सके। इस बार हिंसा और आशंका की इतनी संभावना है कि अमेरिका के सभी बड़े शहरों में जो दुकानें हैं, जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपनी जो कांच की खिड़कियां हैं या कांच के दरवाजे हैं उन सबको एक हार्ड कवरिंग से उस पे चढ़ा दिया है ताकि अगर दंगे हों तो कोई भी लोग अंदर आके दुकानें ना लूट सके। दरअसल इस बार अमेरिका में नस्ल भेद के मामलों को लेकर कई दंगे हुए। डर है कि चुनाव नतीजों के बाद फिर से ऐसे ही दंगे न भड़क जाएं। नई दिल्ली में गीता मोहन के साथ प्रतीक्षा घिल्डियाल, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है जिसमें खबरें आ रही है जो बाइडेन को राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा बढ़त मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। जो बाइडेन को 119 और ट्रंप को 92 इलेक्ट्रोरल वोट मिले हैं। हम रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।